आइए, आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन के बारे में। ये ऐसी कंडीशन है डिप्रेशन की कि आती है पोस्ट स्ट्रोक। तो मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। यह हमारे हॉस्पिटल से जहाँ हम लोगों को एडमिट करके इलाज करते हैं, लोगों को ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं और लोगों का जो जीवन है वो पावरफुल करने में उनको सपोर्ट करते हैं, उनको एम्पावर करते हैं। तो ये जो है पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन, इसके बारे में मैं आपसे आज बातचीत करूँगा। देखो, जिसको स्ट्रोक आया हुआ है, मतलब जिसको पैरालिसिस का झटका आया हुआ है, हो सकता है कि उसका दाहिना हाथ दाहिना पैर गया हो या बायां हाथ बायां पैर उसका गया हो। गया हो मतलब पैरालाइज हो चुका है, और वो होता है ब्रेन के इंजरी की वजह से। ब्रेन को इंजरी हुई, ब्रेन को इन्फार्क्ट हुआ, ब्रेन का ब्लड सप्लाई कम हुआ, ब्रेन का कोई प्रॉब्लम है। तो लेफ्ट साइड का यदि ब्रेन का प्रॉब्लम है तो राइट साइड का पैरालिसिस उसको मारता है। राइट साइड का यदि ब्रेन का प्रॉब्लम है तो उसको लेफ्ट साइड में पैरालिसिस होता है, तो उसको स्ट्रोक हो जाता है। इसमें मतलब लाइक राइट साइड ऑफ फेस भी जाएगा उसके साथ साथ, या लेफ्ट साइड ऑफ फेस भी जाएगा। वो बातचीत नहीं कर पाता है, और फिर यदि वो जल्दी पकड़ में आ गया, जल्दी इसका इलाज चालू हो गया, तो काफ़ी सारी रिकवरी पॉसिबल है। होता क्या है कि कभी कभी उसमें रिकवरी होती नहीं है। हमको ये देखना पड़ेगा कि इसकी रिकवरी क्यों नहीं हो रही है। क्या उसको ये जो पोस्ट स्ट्रोक है, मतलब स्ट्रोक होने के बाद में, क्या उसको डिप्रेशन आया हुआ है और डिप्रेशन की वजह से उसकी रिकवरी नहीं हो रही? क्योंकि रिकवर तो होना चाहिए उसने। यदि बहुत ज़्यादा इन्फार्क्ट नहीं है, सिर्फ इश्चिमिया हुआ है, या एक मतलब रिकवरेबल या पार्शल रिकवरी पॉसिबल है समझो, तो उसमें तो उसने रिकवर होना चाहिए। मगर हम देखते हैं फिर कि भाई इसमें डिप्रेशन है क्या। तो हो सकता है कि उसको अनहेडोनिया है, मतलब लैक ऑफ प्लेजर है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, नर्वसनेस है, कि उदासीनता है, रो रहा है, सैडनेस है बहुत ज़्यादा उसको। अच्छा, ये सेकेंडरी भी डिप्रेशन हो सकता है कि भाई अपने को लकवा मारा है और उसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है, या मेजर डिप्रेशन भी हो सकता है। मेजर डिप्रेशन मतलब जैसा ब्रेन का केमिकल का लोचा, उसकी वजह से डिप्रेशन। तो फिर उसमें नर्वसनेस, क्राइंग स्पेल्स, रोता है, इमोशंस बहुत डाउन रहते हैं, रिटार्डेड है, मतलब हलचल वैसी कम कम हो गई है, होपलेसनेस है, निराशा है, सेल्फ वर्थ कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं काम का नहीं हूँ वो है, सुसाइडल थाट्स है, नींद नहीं आ रही है। तो ऐसे डिप्रेशन के क्लासिकल सिम्टम्स दिख सकते हैं, और वो ही दिया है तो हमको उसके साथ साथ डिप्रेशन को भी ठीक करना पड़ेगा। और ये हम डिप्रेशन ठीक करते हैं तो जो स्ट्रोक है, मतलब जो लकवा मारा हुआ है, जो पैरालिसिस है, उससे भी वो अच्छा हो जाएगा और डिप्रेशन भी ठीक होगा। तो उनको एंटी डिप्रेशन देना जरूरी है, साइकोथेरेपी, मानसोपचार, सम्मोहन उपचार, और जो भी उसको ऐसा समझो वो सेकेंडरी डिप्रेशन है, कोई लकवा मारा हुआ है उसकी वजह से डिप्रेशन है, तो उसका सपोर्टिव साइकोथेरेपी है ना, उसको ये बताने का भी क्या संभव है भी लाइफ में, काउंसलिंग करना जरूरी है, उससे वो पूरा अच्छा हो सकता है। तो ये जरूर हमको देखना जरूरी है कि लकवा मारने के बाद में, मतलब पैरालिसिस के बाद में उसको यदि डिप्रेशन आता है तो वो अर्ली स्टेज में पकड़ में लाना। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं वो तो चलता है, डिप्रेस तो हो जाएगा, वो तो निकल जाएगा डिप्रेशन में, ऐसा न करते हुए डिप्रेशन यदि है तो उसका इलाज करना, उसको अच्छा करना, ताकि उसका जीवन जल्दी से जल्दी अच्छा हो सके। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि जिनको ये पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन है, लकवा मारने के बाद में डिप्रेशन आया रहता है, वो लोग अपना जीवन अच्छा जी सकेंगे और उनके साथ साथ उनके परिवार वाले भी लोग अच्छा जीवन जी सकेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।